नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौदह जनवरी सन 1761 को मकर संक्रांति के दिन पानीपत में भारत का इतिहास नई करवट लेने वाला था। पानीपत के करीब से बहने वाली यमुना नदी के किनारे भारत के भविष्य के लिए सबसे अहम लड़ाइयों में से एक लड़ी जानी थी। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई इस लड़ाई ने एक ही दिन में हजारों योद्धाओं को काल का ग्रास बना दिया। तो आइए जानते हैं इस विनाशकारी युद्ध से जुड़े इतिहास को। 18वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत वर्षों से भारत की जमीन पर सीना ताने खड़ा मुगल साम्राज्य अब घुटनों पर आ चुका था। दूसरी तरफ मराठाओं का भगवा परचम बुलंदियों पर लहरा रहा था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में राजपूताना मालवा अथवा गुजरात के राजा मराठों के साथ आ मिले थे। मराठों के लगातार आक्रमणों ने मुगल बादशाहों की हालत बदतर कर दी थी। उत्तर भारत के अधिकांश इलाके जहाँ पहले मुगलों का शासन था वहाँ अब मराठों का कब्जा हो चुका था। 1758 में पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने पंजाब पर विजय प्राप्त कर मराठा साम्राज्य को और अधिक विस्तृत कर दिया, किंतु उनकी जितनी ख्याति बढ़ी उनके शत्रुओं की संख्या में भी उतनी ही बढ़ोतरी हुई। इस बार उनका सीधा सामना अफगान नवाब अहमद शाह अब्दाली के साथ था। अब्दाली ने 1759 में पश्तून अथवा बलोच जनजातियों को एकत्रित कर सेना का संगठन किया था और इस प्रकार अंततः 14 जनवरी 1761 को पानीपत में अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना व मराठों के मध्य 18वीं सदी का सबसे भयावह युद्ध लड़ा गया। सन 1707 के बाद छत्रपति शिवाजी द्वारा देखा गया संपूर्ण भारत पर मराठा साम्राज्य के आधिपत्य का सपना अब पूर्ण होता प्रतीत हो रहा था। 1758 में मराठाओं ने दिल्ली सहित लाहौर पर कब्जा कर लिया और तैमूर शाह दुर्रानी को वहां से खदेड़ दिया। अब मराठा साम्राज्य की हदें उत्तर में सिंधु एवं हिमालय तक तथा दक्षिण में प्रायद्वीप के निकट तक बढ़ गई थी। उन दिनों जय मराठों की सर्वोच्च उपलब्धि थी। उन दिनों मराठा साम्राज्य की कमान पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव के हाथों में थी। बालाजी ने अपने पुत्र विश्वास राव को मुगल सिंहासन पर बिठाने का मन बना लिया था। अभी तक नाम मात्र के लिए दिल्ली पर मुगलों का शासन था और वे सभी मराठाओं के विस्तृत होते हुए साम्राज्य को देखकर भयभीत थे। 1758 में पंजाब पर किए हमले में लाहौर तक अपना कब्जा करने के बाद मराठों ने तैमूर शाह दुर्रानी को खदेड़ दिया था। तैमूर शाह अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। अब्दाली को यह बात नागवार गुजरी और उसने भारत पर हमले का मन बना लिया। सबसे पहले उसने पंजाब की उन जगहों पर हमला किया जहाँ मराठा फौजें कम संख्या में थी। उसके बाद वो अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा। समय के साथ मुगल शासक दो भागों में बट गए थे, एक वो जो भारतीय मुस्लिम थे अथवा एक वो जो बाहर से आकर यहाँ शासन कर रहे थे। मराठा भारतीय मूल के मुसलमानों के पक्ष में थे और बाहरी मुसलमान शासक किसी विदेशी सहायता की प्रतीक्षा में थे जो उन्हें अहमद शाह अब्दाली के रूप में प्राप्त हुई। मराठों द्वारा अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाना इतिहास में एक निर्णायक घटना बन गई। मराठों ने न केवल अब्दाली को पराजित करने की योजना बनाई थी बल्कि उन्होंने बंगाल जाकर बढ़ती जा रही ब्रिटिश ताकतों को रोकने का भी मन बना लिया था। अगर यह संभव हो पाता तो शायद ब्रिटिश साम्राज्य का अंत उसके उदय से पूर्व ही संभव था, किंतु अपनी ही कुछ कमियों के कारण मराठा अंदर ही अंदर कमजोर पड़ते जा रहे थे। कहने के लिए कुछ मुगल शासक मराठों के साथ थे किंतु उनकी वफादारी हमेशा संदेहपूर्ण रही। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी के समय से मराठों के राजपूतों से बहुत घनिष्ठ संबंध थे, किंतु 1750 के बाद मराठा राजपूतों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करके किसी एक का पक्ष लेने लगे और इस तरह इन्हें दूसरे पक्ष की नाराजगी झेलनी पड़ी। राजा सूरजमल मराठों के कट्टर समर्थक थे, किंतु जब उन्होंने दिल्ली का गवर्नर बनने की इच्छा जाहिर की तब मराठों ने उन्हें छोड़ दिया। इस कारण राजा सूरजमल का मोह भंग हो गया। अवध के नवाब सिजाउदौला को अफगानी और मराठा दोनों अपने साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन सिजाउदौला ने इस लड़ाई में अफगानियों का साथ दिया।
14 अप्रैल 1760 को मराठा सेना बाहू सदाशिव राव के नेतृत्व में पुणे से दिल्ली की ओर रवाना हुई। यहाँ से प्रस्थान करते समय मराठा सैन्य बल में लगभग 50,000 पैदल सैनिक थे। आगे की सफर में जैसे जैसे मराठों को अपने सहायकों की मदद मिली वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती गई। इब्राहिम खान गार्दी का भी मराठों की ओर से इस युद्ध में विशेष योगदान रहा। गार्दी के पास लगभग 8,000 सैनिक थे जो फ्रांसीसी बंदूकों को चलाने में माहिर थे। इसके अलावा गार्दी के पास 200 उत्कृष्ट बंदूकें तथा तोपें भी थी जिनका उन दिनों विशेष महत्व था। लेकिन इन सब के अलावा मराठों के साथ 2,00,000 से ज्यादा आम लोग थे जो उत्तर भारत में तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए साथ आ गए थे। इतनी बड़ी संख्या में आम नागरिकों को साथ ले जाने का मतलब था मराठा आने वाले खतरों से अनभिज्ञ थे। मुगल सम्राट मराठों की सहायता के लिए संधिबद्ध थे। दूसरी तरफ दिल्ली में मराठों के बहुत कम सुचिंतक थे। असल में वे मराठा के बढ़ते वर्चस्व से खुश नहीं थे। इसका फायदा उठाते हुए नजीब खान जैसे बादशाहों ने तो अब्दाली को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। 1739 में भी मुगल नेताओं द्वारा नादिर शाह को इसी तरह आमंत्रित किया गया था, परंतु नादिर शाह ने भारत को लूटते वक्त हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं किया। साथ ही उसने मुगल सम्राट का मयूर मुकुट तथा कोहिनूर हीरे समेत लगभग 100 करोड़ की संपत्ति भारत से लूट कर ले गया। दिलचस्प बात यह थी कि अब्दाली ने न केवल लूट के मंसूबे से भारत में कदम रखा था बल्कि उसका सपना दिल्ली के सिंहासन को मुगलों के हाथों से छीनना था। इसी के साथ उसने दिल्ली में बसे हुए अफगानियों को अपनी तरफ कर लिया जो कि इस युद्ध में फायदेमंद साबित रहा। 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांति के दिन पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। इब्राहिम गार्दी की विशेष बंदूकों और तोपों ने युद्ध में हाहाकार मचा रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मराठा आज नया इतिहास लिखेंगे, किंतु शाम होते होते युद्ध की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। दोनों पक्षों के लगभग 40,000 सैनिक कालका ग्रास बन चुके थे। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि कहते हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिनका कम से कम एक सगा संबंधी इस युद्ध में मारा न गया हो। इतिहासकारों की माने तो ये युद्ध 18वीं सदी का सबसे भयावह युद्ध था जिसमें आमने सामने की लड़ाई में सबसे ज्यादा सैनिक एक दिन में मारे गए थे। लड़ाई में बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वास राव मारे गए जिसे देखकर सदाशिव राव भावुक हो गए और अपना हाथी छोड़कर घोड़े पर सवार होकर विश्वास राव की लाश लेने चले गए, जिससे मराठाओं को लगा कि सदाशिव राव भाऊ नहीं रहे और मराठाओं में अफरा तफरी मच गई। इस लड़ाई में अब्दाली की जीत हुई और मराठा हार गए। भारत की दुर्गति का हमेशा से ही यही कारण रहा है कि यहाँ राजाओं तथा बादशाहों ने अपना अपना फायदा सोचा और बाहरी दुश्मनों को पनाह दी। इसके विपरीत अगर शुरुआत से ही सभी एकजुट होकर लड़े होते तो हमारा देश सबसे शक्तिशाली होता। तो फ्रेंड्स, ये था पानीपत का 3rd युद्ध। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।